हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सुपर यम्मी फिश करी रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg फिश, जिसे मैंने 3-4 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 1 tablespoon हमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 1/2 tablespoon तीखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने 1/2 lemon juice ऐड किया है दोस्तों। आप चाहो तो 1 piece लेमन जूस ऐड कर सकते हो, और अगर लेमन जूस की बीज अगर चली गई तो उसे निकाल लें। सभी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मछली में लगा देनी है, मिला देनी है और 10 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने देना है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिया है, जो कि कुछ यूँ है। 1/2 tablespoon मैंने काली मिर्च, 1 tablespoon मैंने ज़ीरा, 1 tablespoon मैंने मेथी और 2 tablespoon मैंने लिया धनिया और 2 tablespoon मैंने लिया है सरसों। अब हमें इसकी ग्रेवी के लिए 2 piece टमाटर, 2 साबित लहसुन, 1 inch अदरक का टुकड़ा, 1/2 प्याज ले लेना है, और हमें आलू को एकदम पतले पतले और एकदम स्लाइसों में लंबा कट करना है, क्योंकि मछली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी होती है, जल्दी कुक हो जाती हैं। अगर आप आलू को लंबे नहीं कट करोगे, चौड़ाई में कट कर दोगे और मोटे कट कर दोगे, तो आलू आपकी कच्ची ही रह जाएगी और जो मछली है वो जल्दी कुक हो जाएगी। इसलिए हमें मछली के हिसाब से लंबे लंबे और पतले पतले स्लाइसों में कट कर लेना है। अब हमें मिक्सी के जार में सारे मसालों को ऐड कर देना है। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और यहाँ पर मेथी, ज़ीरा, राई और काली मिर्च ऐड कर देना। थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हमें एकदम महीन सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को पीस लिया है एकदम महीन सा, और अब हमें एक कढ़ाई चढ़ा देनी है, जिसमें हमें सरसों का ऑयल ही ऐड करना है। सरसों की ऑयल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मछली का। 4 tablespoon हमें सरसों के ऑयल को ऐड कर देना और एकदम गर्म होने पर ही फिश को ऐड करना है। दोस्तों, आपके कढ़ाई में जितना स्पेस है आप उतना ही फिश को ऐड कीजिए। आप ज़्यादा अगर फिश को ऐड कर दोगे तो आपकी जो फिश है कहीं से पक्की कहीं से कच्ची रह जाएगी और अच्छे से ये फ्राई नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसे कम ही फिश को ऐड कीजिए और अच्छे तरीके से फ्राई कीजिए। फिश को ऐड करने के बाद हमें तुरंत चलाना नहीं है, वरना ये टूट जाएगी। हमें 2 मिनट के बाद ही अलट पलट करना है और एकदम फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। तो हमें फिश को साइड कर देना है चम्मच की हेल्प से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए इस तरीके से, और बाकी फिश को भी हमें ऐड कर देना है। बाकी बची हुई फ़िश को भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। आलू के अंदर हम चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को आलू में अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो फिश है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे हमें थोड़ा सा साइड करना है, आलू को हमें ऑयल में ऐड कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आलू को ऑयल में डाल दिया है दोस्तों, और हमारा जो फिश है वो अच्छे से फ्राई होकर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आलू को भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। अब हमें ऑयल में चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर हमें तीखी लाल मिर्च ऐड करना है। मैंने जो मसाले रेडी किया था दोस्तों, सरसों, मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया वाली, वो मसाले हमें ऑयल में ऐड कर देना है। इसे हमें 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसालों के ऊपर ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये धीरे धीरे जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर तैरने लगा है और हमारा जो मसाला है खूब अच्छे से भूनने लगा है। अब हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो आप पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 cup पानी ऐड किया है। इसे भी हमें चलाते हुए पानी में उबाल आने तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मसालों के ऊपर पानी उबलने लगा है। अब हमें आलू फ्राई किए हुए वो ऐड करना है।
तो यहाँ पे मैंने आलू को मसालों में ऐड कर दिया है। इसे भी हमें हल्के से चला लेना है दोस्तों। आलू मसाले में अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। अब हमें एक कप और पानी ऐड करना है और इसके ढक्कन को लगाकर 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद हम आलू को चेक करेंगे। यहाँ पे आलू हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमें फ्राई किए हुए फिश को ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे फिश को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं चलाना है। और यहाँ पे आपको जितना ग्रेवी वाला फ़िश करी पसंद है दोस्तों, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कप और पानी ऐड कर दिया और फ़िश ऐड करने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से चला लेना है ताकि जो फ़िश है वो हमारा टूटे ना। और मैंने इसमें पानी ऐड किया इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून और नमक ऐड कर दिया ताकि हमारा जो फ़िश करी है वो फीकी ना पड़े। नमक ऐड करने के बाद इसे मैंने हल्के हाथों से चलाया, ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक छोड़ दिया और यहाँ पे फ़िश करी में अच्छे तरीके से उबाल आने लगा है और ये हमारा जो फ़िश करी है वो रेडी है दोस्तों। अब हमें इसे प्लेट में सर्व करना है। तो ये देखिए दोस्तों, सुपर यम्मी टेस्टी मसालेदार सरसों वाली फ़िश करी हमारी रेडी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगे, मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।